सब्सक्राइब करें बॉलीवुड न्यूज यूट्यूब चैनल पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें टू गेट ऑल द लेटेस्ट गॉसिप्स एंड अपडेट्स ऑन बॉलीवुड. यस सर. यस सर, प्लीज. रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. सर, रॉकी से लेकर अब तक आपका करियर जो है काफी ग्लोरियस रहा है. आपने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और बहुत कामयाब करियर रहा है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आगे जाके हिंदी सिनेमा में किस तरह के रोल चुनना चाहते हैं, किस तरह के रोल करना चाहते हैं ये जो इनिंग्स आप खेल रहे हैं, और क्या आप आगे जाकर मराठी सिनेमा में भी नज़र आएंगे कभी? क्योंकि कुछ ऐसे सितारे हैं हिंदी के जिन्होंने अभी अभी हाल ही में मराठी के फिल्में की हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है. उन्होंने एक फिल्म अभी की थी, तो क्या इस तरह का कोई इरादा है आपका कि आप भी काम करेंगे? भैया, सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है? नहीं नहीं, मैं दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई क्योंकि कलोन लगाता था शेविंग के बाद में. नहीं, लेकिन सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता, लेकिन आई विल डू सम ग्रेट कैरेक्टर्स, जैसे मेल गिब्सन करते हैं या डेंजल वॉशिंगटन करते हैं, तो उस किस्म के कैरेक्टर्स मैं करूँगा. और जी, रॉकी से लेकर अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सीखने को बहुत मिला है, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला मुझे. और क्या पूछा सर? एक सवाल ये था कि क्या बाकी कई जैसे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मराठी फिल्मों में आप भी नज़र आएंगे? बिल्कुल आऊँगा, अगर ये जैसे डायरेक्टर अगर मेरे पास आए एक अच्छा रोल लेके, तो बिल्कुल करूँगा मराठी सिनेमा, क्यों नहीं. संजय, मराठी फिल्म कितने देखते हैं आप? आप मराठी फिल्में कितने देखते हैं? मैं जितना भी देख सकता हूँ देख लेता हूँ. अच्छा, हाल ही में कौन सी देखी है? अच्छा, हाल ही में देखी हुई फिल्में, हाल ही में मराठी फिल्में जो देखी है आपने? मैंने अपना लई भारी देखी है. How was your first experience as producers in Marathi film industry? So this is also my first experience as a producer for any other film. Marathi, but mala changli Marathi bolayla yet nahi, par mi koshish karnar. Okay. So, but I think I'll speak in Hindi. So अच्छी, बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्शन का पूरा एक्सपीरियंस, और ये मेरी फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चूज अ मराठी फिल्म, बिकॉज जो रीजनल सिनेमा होती है बहुत अच्छा कंटेंट को आगे लाती है, और आई थिंक बहुत रिसेप्टिव ऑडियंस होती है. छोटी सिनेमा होती है, छोटे सिंपल, जैसे एज नंदिनी सेड के सिम्प्लिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं, तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, एंड या थैंक यू. संजय सर, बस आपके बोलने के हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे हम सभी कि आपका इसके पीछे क्या विचार था, अभी आपके दिल में क्या ख्याल है, कैसे लगता है आपको आपकी पहली फिल्म? हमें ये बाबा का पूरा क्रिएशन, तो ये टीम बैठी है और इसका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला 100% ये करना चाहिए. और बाकी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जो मेन पिलर और स्ट्रेंथ है, ये मेरे लाइफ में भी वही है लेकिन पिक्चर में भी यही है, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर एसोसिएटेड विद सच अ गुड फिल्म. सर, आपने फिल्म के बारे में जब प्रमोट करना शुरू किया आपके ट्विटर हैंडल पे या सोशल मीडिया पे, तब आपने सुनील दत्त साहब के साथ का आपका कनेक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया था, तो उसका इस फिल्म के साथ, बाबा का मतलब पिताजी, तो ये कनेक्शन क्या मतलब आपने सोच के किया था या अपने आप हो गया? नहीं, मैंने सोच के नहीं किया था, लेकिन बाबा बाबा ही होता है हर बच्चे के लिए, चाहे वो असली बच्चा हो या ना. तो आई थिंक एक पिता का दर्जा एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर हर बच्चे के लिए. मी मीडियाच्या प्रतिनिधींना विनंती करतो, अगर आप में से आप कोई सवाल पूछना चाहे तो एंटायर कास्ट एंड मिस्टर संजय दत्त इज हियर. यस सर, माइक आहे. ताई, तुला खूप पळावं लागेल ग माइक, इथून तिकडे जायला म्हणजे 10 मिनिटं लागतील. संजू बाबा, आपके लिए सवाल है.
आपके डैडी ने अजंता आर्ट्स के बैनर से फिल्में बनाई, मुझे जिन्हें दो रिश्मार चरा, वो एक मीनिंगफुल फिल्में बनाई, उसी पैटर्न की ये फिल्म है, उसी को आगे लेके जाएगी? उसी को क्या? वो जो मीनिंगफुल फिल्म उनका दौर था, उसी टाइप की ये फिल्म है क्या? अजंता आर्ट्स का जो स्पेशलिटी था उस जमाने में, आई मीन हम लोग जी वही सोच रहे हैं कि हम लोग भी एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाएं, लेकिन ऐसे सिर्फ यही नहीं सोचेंगे कि कंटेंट ही बनाया जाए, हम लोग कमर्शियल पिक्चर भी बनाएंगे, इंटरटेनर्स भी बनाएंगे, एंड वील मेक ऑल काइंड ऑफ सिनेमा। अच्छा, मराठी फिल्म कितने देखते हैं आप मराठी फिल्में कितने देखते हैं? मैं जितना भी देख सकता हूँ देख लेता हूँ। अच्छा, हाल ही में कौन सी देखी है? अच्छा, हाल ही में देखी हुई फिल्में, हाल ही में मराठी फिल्में जो देखी है आपने? मैंने अपना लई भारी देखी है। संजय सर टू यू एंड द टीम कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म लग रही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि यू आर नोन एज आर बाबा, तो ये जो नाम का सजेशन था आपकी तरफ से था, या ये नाम सुनने के बाद शायद आपने बोला कि वी हैव टू प्रोड्यूस दिस फिल्म? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम? द स्टोरी बिहाइंड द नेम इज द डायरेक्टर, आई थिंक। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, बट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी के इट इज टाइटल्ड बाबा। दीपक जी मेरा आपसे सवाल यहीं पे सर। हां जी बाबा, बाबा समोर, मैम मैम मैडम समोर बाबा लगे। Gracias.